crazy? सिफ्रा? तो फाइनली दोस्तों तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए पूरे 9 दिन हो चुके हैं। तो भाई 9 फरवरी को साउथ के दो बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी, जिसमें पहली थी रजनीकांत सर की फिल्म लाल सलाम और दूसरी थी रवि तेजा की ईगल। और इन दोनों ही फिल्मों को आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए पूरे 9 दिन हो चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इन तीनों ही फिल्मों के अब तक के टोटल इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ जानने वाले हैं कि इन तीनों ही फिल्मों में से बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म बाजी मार रही है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपरस्टार रजनीकांत सर की फिल्म लाल सलाम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इस फिल्म को आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए पूरे 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये फिल्म सिनेमा घरों में दर्शकों का दिल नहीं जीत पाई। जी हाँ, इसी के साथ ये फिल्म कमाई के मामले में भी पीछे रह गई है। बात करें फिल्म की तो लाल सलाम को 9 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी धीमी शुरुआत की थी। जी हाँ, इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 3.55 करोड़ रुपए के साथ खाता खोला था। उम्मीद थी कि वीकेंड पर इस फिल्म का कारोबार बढ़ेगा और इस फिल्म की कमाई में हर दिन के साथ गिरावट देखी गई। और अब तो आलम यह है कि लाल सलाम बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही है। फिल्म की कमाई की बात करें तो लाल सलाम ने अपने पहले दिन लगभग 3.55 करोड़ रुपए के साथ खाता खोला था, तो वहीं अपने दूसरे दिन भी इस फिल्म ने लगभग 3.25 करोड़ रुपए की कमाई की। साथ ही साथ इस फिल्म के जो तीसरे दिन के कलेक्शन थे वो भी लगभग 3.15 करोड़ रुपए के आसपास रहे। तो वहीं अपने चौथे पांचवें छठवें दिन भी इस फिल्म ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए के अंडर में ही कलेक्शन किए। तो वहीं अपने सातवें दिन इस फिल्म की कमाई में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली और अपने सातवें दिन इस फिल्म ने लगभग 92 लाख रुपए की कमाई बॉक्स ऑफिस पर की। और इसी के साथ ये फिल्म अपने 7 दिनों के अंदर इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 15.8 करोड़ रुपए के आसपास ही कमा पाई। तो वहीं अपने 8वें दिन भी ये फिल्म महज 27 लाख रुपए की कमाई बॉक्स ऑफिस पर कर रही है। और इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल 8 दिनों का इंडियन नेट कलेक्शन है वो लगभग 15.35 करोड़ रुपए के आसपास हो पाया है। लाल सलाम की बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस काफी ज्यादा निराशाजनक रही और अब ये फिल्म लाखों में भी कमाई नहीं कर पा रही है और महज 8 दिनों के अंदर ही इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर खेल खत्म हो चुका है और इस फिल्म का टिकट खिड़की पर और ज्यादा टिक पाना नामुमकिन लग रहा है। बता दें कि लाल सलाम एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं शाहिद कपूर की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो शाहिद कपूर और कृति सेनन की इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और इसी के चलते ये फिल्म अपने पहले हफ्ते में ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर चुकी है। साथ ही साथ ये मूवी अपने दूसरे वीकेंड में भी जबरदस्त कलेक्शन करती जा रही है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर ये फिल्म अपने शुरुआती 7 दिन यानी कि अपने पहले हफ्ते में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 47.18 करोड़ रुपए का शानदार बिजनेस कर चुकी है। तो वहीं अपने 8वें दिन यानी कि दूसरे शुक्रवार को भी इस फिल्म ने लगभग 2.57 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। हालांकि आज सैटरडे होने की वजह से इस फिल्म के कलेक्शन में हल्की सी ग्रोथ आई है। मॉर्निंग वाले शो से इस फिल्म की बुकिंग काफी बढ़िया सॉलिड लग रही है। बात करें फिल्म के 9वें दिन यानी कि आज के कलेक्शन के बारे में, तो ये फिल्म आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3.50 करोड़ रुपए का बिजनेस आसानी से कर लेगी और इसी के साथ ये फिल्म अब तक इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 53.25 करोड़ रुपए का शानदार बिजनेस कर चुकी है। तो वहीं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन के मामले में ये फिल्म अब तक लगभग 64 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार करने में कामयाब हो चुकी है। बात करें फिल्म की ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से कमाई की, तो ये फिल्म अब तक ओवरसीज से लगभग 32 करोड़ रुपए कमा चुकी है। यानी कि ये फिल्म अपने 9 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 96 करोड़ रुपए का शानदार बिजनेस कर चुकी है और अपने 10वें दिन वर्ल्ड वाइड मार्केट में ये फिल्म लगभग 100 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर देगी। और इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑलरेडी हिट का टैग हासिल कर चुकी है। वैसे अगर ये फिल्म आपने देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रवि तेजा की फिल्म ईगल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फाइनली इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले हफ्ते रिलीज होने वाली तेलुगु सिनेमा की मास महाराजा रवि तेजा की मच एवेंटेड फिल्म ईगल यानी कि सहदेव इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने 9वें दिन भी कमाल कर रही है। तो जैसा कि आप सभी जानती हैं कि ईगल एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म का डायरेक्शन किया है कार्तिक गट्टमनेनी ने। फिल्म के लीड में आपको मास महाराजा रवि तेजा के अलावा अनुपमा परमेश्वर, विनय राय, मनदीप और काव्या ठप्पर नजर आने वाली है। आप सभी को बताते चले कि पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा बनाई गई इस फिल्म का बजट लगभग 55 करोड़ रुपए के आसपास है और इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1500 स्क्रीन पर तेलुगु और हिंदी भाषा में रिलीज किया गया है। इन दोनों ही भाषाओं में रिलीज होने वाली इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है।
सुपरस्टार रवि तेजा ने एक बार फिर से दिल जीतने वाली एक्टिंग की है। बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो ईगल फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की, लेकिन दूसरा हफ्ता आते आते तेलुगु सिनेमा की कई बड़ी फिल्में रिलीज हो चुकी थी, जिसके चलते इस फिल्म की स्क्रीन अब काफी ज्यादा कम हो चुकी है और इस वजह से फिल्म के जो कलेक्शन है वो दूसरे हफ्ते में पूरी तरह से नीचे आ चुकी है। जी हाँ, ईगल फिल्म अपने शुरुआत के 7 दिन यानी कि पहले हफ्ते में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 30.47 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी। तो वहीं अपने 8 दिन इस फिल्म के जो कलेक्शन थे वो लगभग 1.55 करोड़ रुपए के आसपास रहे और इसी के साथ ये फिल्म अपने शुरुआती 8 दिनों के अंदर इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 32 करोड़ रुपए कमा चुकी है। तो वहीं इंडियन ग्रॉस कलेक्शन के मामले में ये फिल्म 38 करोड़ के आंकड़े को भी पार करने में कामयाब हो चुकी है। तो वहीं इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो अपने 8 दिनों के अंदर लगभग 45 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। जी हाँ, ये फिल्म अपने 8 दिनों के अंदर दुनिया भर से लगभग 45 करोड़ रुपए कमा चुकी है। तो वहीं आज यानी कि अपने 9वें दिन भी इस फिल्म की कलेक्शन है वो भी लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास रहे हैं और इसी के साथ ये फिल्म आने वाले 2-3 दिनों में लगभग 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर देगी। वैसे अगर इस फिल्म को आपने देख लिया है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बॉक्स ऑफिस से रिलेटेड ऐसी अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए क्रेजी सिनेमा।